गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, हम हाउसवाइफ का काम कभी भी ख़त्म नहीं होने का, ये तो चलता ही रहता है गाइज। हम सोचते हैं अब फ्री होंगे, बट गाइज ये काम चलता ही रहेगा। लगता है लाइफ टाइम हमारी इसी किचन फैमिली बस इसी में ही रह जाएगी। तो गाइज कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेते हैं। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी एंड आलू। तो गाइस ये मेरी गोभी है, ये मेरे आलू हैं। तो गाइस मैं टेस्टी सी गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ विथ चपाती। तो गाइस आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे घर में। तो गाइस मैं भी तड़का लगा रही हूँ, तो अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी गाइस। पहले मैंने इसमें डाल दिया है ओनियन, डाल दिया है जिंजर, डाल दिया है गार्लिक, डाल दिया है गाइस। तो अब मैं इसमें डालूँगी, नमक भी डाल दिया है गाइस। तो अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और मसाला गाइस, थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं गाइस, थोड़ी सी देगी मिर्च। तो गाइज ये मेरे मसाले डल चुके हैं मेरी सब्जी में, और देखिए अब इसको थोड़ा सा हम आपस में इनको मिलने देते हैं मसालों को। गाइज क्रिस्पी जैसी सब्जी बनेगी मेरी, खाकर सब खुश हो जाएंगे, यही हमारा मोटिव होता है गाइज, है ना, कि सब खाएं घर पे जो हम बनाएं, नहीं खाते तो हमें अच्छा नहीं लगता गाइज। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो हम बनाएं वो सब खाएं। तो गाइस इसमें मैं टमाटो भी डाल रही हूँ, टमाटो को हम थोड़ा सा घुमा देंगे गाइस, तो मेरी सब्जी हो जाएगी रेडी। अभी गाइस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से पकाएंगे टमाटो को थोड़ी देर। तो गाइस हम इसे ढक्कन लेके थोड़ी देर, एक दो मिनट के लिए पकाएंगे टमाटो को। तो गाइस मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो गाइस बहुत ही बुरा लगता है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते कोई मेहनत करता है उसे। तो गाइस मैं एक व्लॉग देख रही थी, वो लेडी बहुत ही नाइस है और बहुत ही मेहनती है, टीचर भी है और व्लॉगिंग भी करती है। बट गाइस कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जिन्हें कुछ भी काम नहीं होता, आई थिंक मेरा सोचना है, वो इतने गंदे और भते कमेंट कर देती है ना कई बार गाइस, बहुत ही गंदा लगता है। एक लेडीज़ को कैसे कमेंट करती है, हमें कुछ नहीं कर सकते, मत देखो या ना लाइक करो ना देखो। बट गाइस अप्रिशिएट तो कर सकते हैं हम किसी को, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है, अच्छी मिमिक्री कर रहा है, तो गाइस हमें दूसरों को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज इसी उम्मीद से सभी व्लॉगिंग करते हैं। तो गाइज हम सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गाइज बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलते हैं हम, बाय बाय गाइज। हम इसमें डाल देंगे गोभी, अपनी कटी हुई सारी गोभी डाल देंगे गाइज इसमें, ओके गाइज। तो फिर टमाटो डाल देंगे, दिस इज माय टमाटो डाल देंगे गाइस, और गाइस इसे रोस्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इसे आपस में रोस्ट कर देंगे, तभी गाइस ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसलिए इसे रोस्ट करेंगे थोड़ी देर। गाइस क्या सब्जी बनेगी, क्या कलर आएगा सब्जी का, वाओ कलर। गाइस अगर मन से हम हर काम करते हैं तो वो सक्सेस होता है और अच्छा भी होता है। तो गाइस हमें यही कोशिश करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमें खुश होकर हर काम करना चाहिए गाइस। इसलिए हमारी अब सब्जी तैयार हो जाएगी गाइस। गाइस मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। तो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, छोटे छोटे से ब्लॉग आपके लिए लेकर आती हूँ। गाइस मैं अभी जटोली गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो गाइस मैंने वहाँ भी आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, और हम हिमाचल उत्सव गए थे तो गाइज वहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक छोटू छोटू ब्लॉग बनाए हैं। तो गाइज आप ज़रूर देखिए और अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए,
गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो गाइस बने रहिएगा मेरे चैनल में आरती ब्लॉग में। ओके गाइस मिलते हैं फिर।